स्लाइड शो पर क्लिक करें, व्यू शो पर क्लिक करें। यह स्लाइड शो है जिसके द्वारा आप अपनी स्लाइड को व्यू कर सकते हैं फुल स्क्रीन व्यू पे। दोबारा स्लाइड शो व्यू पर क्लिक करें। रिहर्स टाइमिंग्स पे क्लिक करें। रिहर्स टाइमिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप पाएंगे कि स्क्रीन के लेफ्ट कोने में एक टाइमर चलता है जिससे कि हमें स्लाइड के समय का पता चलता है। जैसे ही आप एक स्लाइड पे क्लिक करते हैं वह उस स्लाइड का टाइम सेट कर देता है। द टोटल टाइम फॉर स्लाइड शो वॉज 21 सेकेंड। यस पर क्लिक करें। अब इसमें स्लाइड शो पर हर स्लाइड की अलग अलग टाइमिंग डाल दी गई है जिससे कि अगली बार स्लाइड शो करने पे वह स्लाइड उस टाइम पीरियड के बाद अपने आप बदल जाएगी और क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप पाएंगे कि आपकी स्लाइड्स बिना क्लिक किए पर्याप्त टाइम के बाद अपने आप बदल जाएंगी। नॉर्मल पर क्लिक करें। अब स्लाइड शो पे जाएं। एनिमेशन स्कीम्स पर क्लिक करें। सीधे हाथ पे दिए गए दाहिने हाथ पे दिए गए ऑप्शंस में से आप तरह तरह के कस्टम एनिमेशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनको कि आप अपनी स्लाइड्स पर डाल सकते हैं। उन्हें स्लाइड शो पर जाएं, कस्टम एनिमेशन सिलेक्ट करें। कस्टम एनिमेशन में भी इसी प्रकार से आप अपने टेक्स्ट को और ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग एनिमेशन प्रदान कर सकते हैं।
स्लाइड शो पर जाएं, सिलेक्ट करें स्लाइड ट्रांजिशन। इससे आप एक से दूसरी स्लाइड के बीच में बदलने के लिए इफेक्ट्स को डाल सकते हैं। अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स पे क्लिक करके यह इफेक्ट हर स्लाइड पे लगा दिया जाएगा।